हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आई टी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो है बार्क का ज्वाइनिंग लेटर जो आया हुआ है आपका प्लांट ऑपरेटर की तरफ से, तो अभी जो है हम लोग उसमें जो आपको है एक्सेप्टेंस लेटर भी फिलअप करके भेजना है 9 तारीख से पहले। तो इस एक्सेप्टेंस लेटर को जो कैसे फिल करना है और ऐसा कुछ भी गलती नहीं करना है जिससे कि जो है आपको ज्वाइनिंग के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे जो है इस एक्सेप्टेंस लेटर को फिलअप करना है और कैसे भेजना है। तो तमाम तरीके से जो डाउट है सर डाउट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं या फिर जो है आपके एसएससी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तमाम तरीके जो अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलता है, तो प्लीज़ जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या फिलअप करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो है आपका एक्सेप्टेंस लेटर है, इसको फिलअप करके भेजना है 9 तारीख से पहले, है ना। काफ़ी डिले हमें ये प्राप्त हुआ, इसके चलते जो थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी भी है टाइम आपके पास भेजने का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइप्स है, तो प्रॉम्प्ट से जो है आपका नाम होना चाहिए, जो भी आपका है नाम वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, है ना, स्मॉल नहीं आप चल सकता है, लेकिन प्रयास कीजिए कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके पास जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि हमारा इस यूट्यूब चैनल का नाम जो है फ्यूचर ऑफ आई टी क्लासेस, है ना, इसका जो नाम हो गया फ्यूचर ऑफ आई टी क्लासेस, इसका जो एड्रेस आपका यूट्यूब में ये प्राप्त होगा, तो ये जो है आपका जो भी एड्रेस रहेगा, है ना, सारे एड्रेस को फिलअप करना है, 7 पिन कोड, है ना, ऐसा नहीं कि केवल एड्रेस लिख दिए, ऐसा नहीं, उसके नहीं आपका पिन कोड भी यहाँ पे ऐड करना है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जिस टू करके भेजना है, जब हमने आपको बताया था कि ऑफ़र लेटर में, है ना, कि ऑफ़र लेटर में किस एड्रेस में भेजना है, किस को जो है मेल करना है, वो तमाम तरीके वहाँ पर एड्रेस दिए गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है वहाँ पर एड्रेस है। तो जैसा कि आप इसके में देख सकते हैं, इसी एड्रेस में जो आपको देख सकते हैं ना, इसी एड्रेस में जो है आपको फिलअप करके वहाँ पे सेंड करना है। आप जब भी लिख रहे हैं तो अच्छे से हैंड राइटिंग लिखे, ताकि उस जब वहाँ पे जाए तो किसी तरह के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। असिस्टेंस पर्सनल ऑफिस जो है रिक्रूटमेंट करके है आपका हैवी वाटर प्लांट मुनुगुरु, है ना, पोस्ट ऑफिस जो है HW हैवी वाटर, है ना, अस्पुरम कॉलोनी गौतमी नगर भादरी, है ना, कोथा गुदम करके है, ये जो आपको एड्रेस यहाँ पर सेंड करना है, इसी एड्रेस में आपको जो है वहाँ पर फिलअप करके सेंड करना है, दिक्कत नहीं। यहाँ पे वही जो अभी एड्रेस हमने डिस्कस किया, वही एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे सारे एड्रेस को फिलअप करना है। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस में जब फिलअप लगाओगे इसको इनविलप में, तो यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर में आपका जो है यहाँ पे हिंदी में लिखना है, दो लैंग्वेज में, हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। इसके बाद इसको स्पीड पोस्ट भी करना है, जैसा कि आपको पता होगा। उसके बाद इसको जो मेल में भी सेंड करना है, मेल के कौन से मेल आईडी में सेंड करना है वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि अपना नाम लिखना है हिंदी में, है ना। उसके बाद जो हमने उस वीडियो में बताया था कि आपका जो एक ऑफर लेटर आया हुआ है उसको हम लोग रेफरेंस नंबर भी बोलते हैं, तो रेफरेंस नंबर में जो है एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, इस रेफरेंस नंबर में जो भी आपका है 2024 के बगल में 3454 करके सबका कॉमन लगभग आ रहा है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है, है ना। उसके बाद जो जिस डेट में आपको प्राप्त हुआ है उस डेट को वहाँ पे लिखना है, जो आपका डेट है वो भी वहाँ पे मेंशन है, आपका जो ऑफर लेटर है उस ऑफर लेटर से देख के जो है आपको इस डेट को मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप ये इसमें है आपको नियुक्ति प्रस्ताव के संबंध में Category 2 प्रशिक्षु पद ग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं, जो लागू नहीं है उसे काट देना, मतलब इसको इस टाइप से एक लाइन में काट देना है, है ना। सेम प्रोसेस नीचे यही करना है, आपको यहाँ पे इंग्लिश में अपना नाम लिखना है और जो भी जो आपका लेटर नंबर है, है ना, जिसको आप रेफरेंस नंबर या फिर लेटर नंबर बोलते हैं, उस जो आपका मेल में आया हुआ है उस लेटर नंबर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, है ना। तो यहाँ तक तो इन्होंने फिलअप कर दिया है, लेकिन आगे का जो 4 डिजिट है वो 4 डिजिट इन्होंने छोड़ रखा है, तो उस 4 डिजिट को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जिस डेट में आपको प्राप्त हुआ उस डेट को लिखना है, जैसे 29 अगस्त, है ना, या किसी किसी को 30 अगस्त को प्राप्त हुआ, तो जिस अगस्त को आपने प्राप्त किया है उस अगस्त को यहाँ पे क्लियरली फिलअप करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड हेयर वाई कन्वे दैट आई एम विलिंग, है ना, आई एम नॉट, तो इसको नॉट विलिंग को यहाँ पे काट देना है। स्ट्राइक जो है आउट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल, जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसको काट देना है। उसके बाद टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ Category 2 स्टाफ अपनी ट्रेनिंग एज ऑफर अगेंस्ट BRC एडवर्टाइजमेंट नंबर ईस, है ना, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर करना है, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं,
जैसे फ्यूचर ऑफ, तो इस टाइप से सिग्नेचर करना है। उसके साथ साथ जो भी आपका नेम है ये भी यहाँ पे कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। आप जब भी कोई फॉर्म को फिलअप करें तो प्रयास कीजिए कि जो भी आप जो फिलअप करते हो वो कैपिटल लेटर में भरें, है ना, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा होता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद जिस स्टेट से आप जो है जिस स्थान से फिलअप कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस प्लेस में आप जो है ये कर रहे हैं, तो उस एड्रेस से यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जिस डेट पर आप सेंड कर रहे हो, जैसे कि आज 3 तारीख, अगर आप आज फिलअप सेंड कर रहे हैं तो 30/3/09/2024 करके इसको फिलअप करना है, दिक्कत तो नहीं है। सेम इसी को जो है आपको PDF फॉर्मेट में बनाना है और जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में इनको सेंड करना है। उसके साथ साथ जो आपको पोस्ट ऑफिस से भी स्पीड पोस्ट करना है, दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम जो आगे वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं कि SSK फॉर्म में जो आपको कैसे फिलअप करके लेके जाना है और क्या क्या वहाँ पे फॉर्म को भरना है, इसके रिगार्डिंग मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, अगर आपको चाहिए कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।